नमस्कार दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखते हो तो बिटकॉइन बहुत ही ज्यादा फ्लैट जो है क्रैश आपको देख रहा होगा। मैंने बताया था कि यहाँ पर एक अच्छा सा रेजिस्टेंस है, इसको तोड़ते ही हमारा बुल रन जो है वो कंटिन्यू हो जाएगा। अगर आपको मैं एग्जैक्ट दिखाता हूँ कि क्यों यहाँ पर एक अच्छा सा यहाँ पर क्रैश देखने को मिला और जिसकी वजह से सारा का सारा मार्केट जो है वो रेड जोन में आता है। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो इस पॉइंट पर नोटिस कीजिएगा, तो ये देखिए आपका जो अब फिलहाल का जो डाटा है राइट ना। ओके तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो फ्लैट एक बहुत ही स्मूथ सा कैंडल यहाँ पर बना है। सिर्फ यही नहीं, अगर आप दूसरे भी मार्केट को देखते हो, क्योंकि जनरली मैं दूसरे मार्केट से हमेशा आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ, क्योंकि वहां पर भी मार्केट रिवर्सल साइन दिए थे, यहाँ पर भी बिटकॉइन आपको रिवर्सल साइन दिया था। बट ये अपने इस रेजिस्टेंस पर जाते ही, जैसा कि आपने अगर अपने लास्ट टाइम पे देखा तो ये अपने इस वाले रेजिस्टेंस पर जाते ही, अगर इस चीज को अगर आप यहाँ पर देखते हो इस चीज को राइट। ओके तो अगर आप यहाँ पर नोटिस करते हैं तो यहाँ पर एक अच्छा सा सॉलिड सा रेजिस्टेंस है, जिसका जिक्र मैंने कल के वीडियो में किया था अगर आपको याद हो तो। मैंने बताया था कि इसको तोड़ते ही मार्केट जो है अपना बुल रन को कंटिन्यू कर देगा। यही नहीं, एक चीज और आप यहाँ पर नोटिस करते हो, दूसरे जो भी मार्केट आप गोल्ड को देखो भैया, सिर्फ बिटकॉइन ही नहीं गिरा है, गोल्ड को देखिए, गोल्ड में भी आपको फ्लैट क्रैश आपको यहाँ पर दिख रहा है। यूरो को देखिए, यूरो में भी चूंकि यहाँ पर प्राइस रिजेक्ट कर रहा था ऑलरेडी, ये भी बियर मार्केट चल रहा था, यहाँ पर प्राइस ने अपने आपको ऊपर गया था, बट यहाँ पर भी आपको फ्लैट क्रैश देखने को मिला। मैं कहना क्या चाहता हूँ यहाँ पर, ये कि आपको जो डॉलर का इंडेक्स है वहीं पर आपको ऊपर इजाफा देखने को मिला। सबसे पहले यहाँ पर अगर देखिए तो आज ये 13 तारीख है राइट। यहाँ पर 13 तारीख को अगर देखते हैं तो 13 तारीख को सबसे पहले अभी 6 बजे यानी यहाँ पर देखिए 6 PM में आपको कोर CPI का एक डाटा आया ठीक ना। कोर CPI का डाटा जो है वो पॉजिटिव दिखा, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर यानी जो ये प्रीवियस था और ये जो फोरकास्ट था और एक्चुअल डाटा जो भी फोरकास्ट किया गया था उससे ज्यादा ये पॉजिटिव आया, जिसके वजह से आपको यहाँ पर डॉलर के इंडेक्स में अगर आप यहाँ पर आकर नोटिस करते हैं, यहाँ पर देखिए डॉलर इंडेक्स में ये देखिए, तो डॉलर इंडेक्स में अगर आप यहाँ पर आकर के देखते हैं तो डॉलर इंडेक्स को मैं आपको जूम आउट कर लेता हूँ। ये देखिए डॉलर इंडेक्स को अगर देखते हैं तो यहाँ पर चूंकि यहाँ पर ऑलरेडी ये देखिए तो फ्लैट, यहाँ से देखिए कितना तेजी में डॉलर का इंडेक्स जो है वहां पर डॉलर मजबूत हुआ, जिसके वजह से आप गोल्ड, यूरो, यूएसडी, जेपी, यूएसडी, यूएसडी, जेपीवाई, हर चीज मतलब जो है वो टूटा है। जेपीवाई को देखिए, जेपीवाई वीक हुआ है, तो बिटकॉइन का रीजन जो है वो गिरने का वो कहीं ना कहीं यही है। और दूसरा चीज, एक और चीज अगर आप यहाँ पर नोटिस करते हो तो ठीक उसी टाइम पर न्यूज आया है, यानी कि अगर आप यहाँ पर न्यूज को देखते हो, हमारे पास एक क्या है अभी जो है वो पॉसिबिलिटीज है। एक पॉसिबिलिटीज ये है कि देखिए यहाँ पर आपका एक शॉर्ट टर्म में जो है ना वो ट्रेंड लाइन चला जा रहा था, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं सेम ट्रेंड लाइन पर यहाँ पर मार्केट आकर के रुका हुआ है। तो क्या यहाँ से फिर से बियर मार्केट कंटिन्यू होगा? अगर इसको तोड़ के और भी ज्यादा नीचे गिरता है तो मैं आपको एग्जैक्ट डाटा बताऊंगा कि क्या अभी पॉसिबिलिटी चल रहा है। अगर दूसरे मार्केट डॉलर के इंडेक्स अगर रिवर्स करता है, डॉलर इन 20 साल बाद से इतने ज्यादा हाई पर है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, डॉलर के इंडेक्स में 20 साल बाद इतना हाई पर है, यहाँ पर देखिए तो आपको बिटकॉइन जैसे कि वो ऊपर जाता है, डॉलर मजबूत होता है, तो यहाँ पर दूसरे जो पेयर है ज्यादातर देखने को मिलता है कि वो गिरते हैं। इसके कुछ और भी रीजन है कि वॉल्यूम्स नहीं आते हैं इसमें ऑलराइट ना। ओके तो छोटा सा अपडेट था, मेरे ख्याल से आपको अपडेट अच्छा लगा, आप स्टे ट्यून्ड रहिएगा। अगला अपडेट क्या होता है कि यहाँ से बियर मार्केट कंटिन्यू होने वाला है या यहाँ से बुल मार्केट कंटिन्यू करना है, बिल्कुल एक मोड़ाव पर है। तो जो भी अपडेट होगा वो मैं आपको बहुत जल्द दूंगा। ओके तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बहुत जल्द मिलते हैं।